हेलो एवरीवन, आई एम सोमाली मित्तल, रैंक 14, यूपी पीसीएस जे 2018. आई क्वालिफाइड इट इन माय सेकंड अटेम्प्ट. मैंने अपना बीए रेलबी ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद से किया. देयर आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट. और मैंने अपना एलएलएम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया. स्कूलिंग मैंने अलाहाबाद से ही की. आई मीन मेरी पूरी पढ़ाई अलाहाबाद से ही हुई है, प्रयागराज से. और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो एलएलएम था मेरा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस का था. ओके, सो 2016 से ही ऑलमोस्ट मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी. बट फोकस्ड अप्रोच मेरी 2018 से थी, जब मेरा पहला अटेम्प्ट वेस्ट हो गया था. मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई हुआ था. प्रेलिम्स ही मेरा नहीं निकला था 2-3 मार्क्स से. सो आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस. और मेरी गलतियों से कोई भी सीख सकता है और उसे कोई रिपीट ना करे, यही मैं चाहूँगी. सो अगर किसी एक की भी मदद हो जाती है, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. देखिए, पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रेलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाया हुआ था. मैं दुनिया भर की किताबें पढ़ रही थी, लेकिन मैं क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं कर रही थी. तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा. आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. देखिए, ऑब्वियसली हर साल पेपर नहीं होता है, बट जितनी भी आपको पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के मिल सकते हैं मार्केट से, आप वो लीजिए, प्रैक्टिस करिए. और मैं प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का डिस्कशन करूँगी, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई रियलाइज्ड कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो एब्सेंट है यूट्यूब पे. एटलीस्ट आई कुडंट फाइंड इट. सो आई एम शोइंग यू दिस बुक. ये सिंगल की बुक है जिसपे सॉल्व्ड पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के लॉ के. तो आपका लॉ का जो पेपर है प्रीलिम्स का, उसमें आपको ये पढ़ना है. और आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, वो हिंदी में है. बट ऑब्वियसली इतनी डिफ़िकल्ट हिंदी नहीं है, टेक्निकल हिंदी ज़रूर है. लेकिन जहाँ भी बहुत टेक्निकल टर्म्स आते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट में इंग्लिश में दिया हुआ है, मतलब. ओके, और देन कमिंग ऑन टू द जनरल नॉलेज पार्ट. देखिए, जनरल नॉलेज को हम इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली 150 मार्क्स का पेपर होता है. लॉ का पेपर प्रीलिम्स में 300 मार्क्स का होता है. सो आई एम शेयरिंग विथ यू व्हाट सोर्सेज आई रिफर टू फॉर जीके. दैट इज़ क्रॉनिकल. मैंने हर महीने क्रॉनिकल फॉलो की है. देन घटनासार. देखिए, बिकॉज आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्वेश्चंस कुछ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी होते हैं, तो आप घटनासार फॉलो कर सकते हैं. ये क्वार्टरली इशू है, मंथली इशू नहीं है. डेली न्यूज़पेपर, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नोट्स बनाने चाहिए. कोई भी क्वेश्चन में आप देखिए, ऑब्वियसली नॉट इन द प्री लेवल, बट आप मेंस के लेवल में किसी भी क्वेश्चन में करंट का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उस टाइम पे मैंने ओडिशा की कालिया स्कीम मेंशन की थी. सो वो बहुत ही करंट अफेयर्स था, बिकॉज मैंने करंट अफेयर्स को फॉलो किया था. सो आई सजेस्ट आप सब भी फॉलो करें. देन यू कैन फॉलो वीडियोज़ ऑफ स्टडी IQ. आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या तो ऑनलाइन करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. ये आपकी मर्ज़ी की बात है. प्लस सेंसेस. देखिए, सेंसेस को आपको नहीं छोड़ना चाहिए. आप सेंसेस से पढ़िए. और उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड ज़्यादा आता है, बट स्टिल आई हैड दिस बुक. इट्स इन हिंदी. जनसंख्या एवं नगरीकरण जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े. और आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सब में सेम ही सेंसेस रहेगा. सो और मेक नोट्स, करंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए. एटलीस्ट आई मेड नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, और आई फील इट एडेड टू माई आंसर्स फॉर मेंस. सो लॉन्ग टर्म में इट हेल्प्ड. ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि आपको गाइड करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाइए. एक तरह से ये कमीशन की तरफ से खुद की गाइडेंस है कि आपको किस तरह के पेपर्स दिए जाएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको क्या आना चाहिए एक जज बनने के लिए. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, देन कमिंग ऑन टू द मेंस. अगर आप इतना करते हैं, देखिए बेर एक्ट
को थरेली पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जीएस भी ऑब्वियसली इतना तो आप पढ़ेंगे, 150 मार्क्स का पेपर है जीएस का। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हो चुकी है, तो आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि सबके सब क्वेश्चंस लगा देने हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का यही एक बात होती है कि आपको स्मार्ट तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको दो में भी डाउट है और आप एक सेफ़ पोजीशन में हैं, मतलब दो ऑप्शंस में डाउट है और अगर आप एक सेफ पोजीशन में हैं, तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। देखिए, दो में डाउट में फिर भी लोग कर देते हैं, तीन में डाउट में तो नहीं करना चाहिए। ओके, देन कमिंग ऑन टू द मेंस पार्ट, 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज का, दूसरा लैंग्वेज का और बाकी के 3 पेपर लॉ के होते हैं। सो पहली बात हम जनरल नॉलेज की करेंगे। देखिए, जनरल नॉलेज में आई सेड आप प्रीलिम्स के पहले से ही नोट्स बनाइए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपकी ओवरनाइट जीके बहुत अच्छी हो गई, आपको सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। आप पहले से ही नोट्स बनाइए और आपके लॉन्ग रन में ये सब हेल्प करेगा। तो जनरल नॉलेज में कुछ उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप घटना चक्र रेफर कर सकते हैं, यूपी स्पेशल। वो हिंदी में ही आती है एंड इट्स इन ईजी हिंदी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसे पढ़ने में। ओके, सो जनरल नॉलेज के लिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं, आप लूसेंट भी रेफर कर सकते हैं, लूसेंट। और बाकी तो आप जितनी भी कोई भी एक गाइड बुक जनरल नॉलेज की उठा के पढ़िए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द पेपर नंबर 2, एसे, जिसमें प्रेसी राइटिंग भी आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। देखिए, एसे में मैंने एक बात नोटिस की कि हर ईयर के पेपर में, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स ऑब्वियसली उठा के देखें, देखिए इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आई फील प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही की होते हैं टू क्वालिफाई, टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे के पेपर में या तो एजुकेशन पे कोई ना कोई ऐसे आता है या फिर विमेन के ऊपर आता है, इन दोनों टॉपिक्स में से एक तो रहता ही रहता है हर साल। आई फेल्ट दिस, तो मैंने इन दोनों टॉपिक पे तैयार किया, मैंने 3-4 टॉपिक्स पे तैयार किया, एक ब्यूटिफुल पोएम रवींद्रनाथ टैगोर जी की और कुछ सेइंग्स महात्मा गांधी जी की, मतलब जो भी फेमस लोग हैं, आप चाहें तो जीएस के पेपर के सॉरी लैंग्वेज के पेपर के एक रात पहले उन कोटेशंस को देख लीजिए और याद कर लीजिए, एंड यू कैन राइट दोज लाइन्स इन द आंसर एंड यू नो इट विल ब्यूटिफाई योर एसे। तो मैंने रियलाइज़ किया था कि एजुकेशन और वेमेन पे ज़रूर आ रहा है, तो मैंने इन पे किया प्रिपेयर एंड लकीली वेमेन पे आया एंड आई वाज लाइक लीजिए पूरा याद है। सो आप भी ऐसा ही करिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए, आपको आइडिया मिलेगा। देखिए, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आई डोंट थिंक कि उन्हें प्रेसी राइटिंग, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में कोई भी दिक्कत होगी, बट स्टिल प्रैक्टिस करिए। और जो भी हिंदी मीडियम के, देखिए कम से कम एक दो बार मैं कह रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रैक्टिस करके जाएं। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा नहीं शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनको ऐसे भी इंग्लिश में ही लिखना होगा। सो आई फील ये कोई एक दिन का काम नहीं हो सकता है कि आप एक या एक महीने का भी नहीं हो सकता, आपको एक महीने में ऐसी इंग्लिश नहीं आ सकती है। इट हैज़ टू बी, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जज बनना है, तो आप कम से कम 6-7 महीने पहले से प्रिपरेशन तो स्टार्ट करेंगे, तब से ही आपको इंग्लिश पे जोर देना चाहिए। बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि किसी भी पेपर में आपके मार्क्स कम रह जाएं। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करिए इंग्लिश के लिए और ऐसे तैयार करिए, इंग्लिश हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश काफ़ी प्रैक्टिस करिए। ये मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि किसी भी पेपर में आई फील आपके नंबर कम नहीं रहने चाहिए। सो कमिंग ऑन टू द पेपर 3, दैट इज़ सब्सटैंटिव लॉ। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं बार बार कह रही हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सो प्रीवियस ईयर के आप सॉल्व्ड पेपर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने घर पे बैठ के प्रिपरेशन की, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली और कहीं बाहर नहीं निकले कि
देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा अल्टीमेट गाइड वाज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैंने ये बुक ली जिसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स थे। दिस वन, दिस इज सीएलपी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज सॉल्व पेपर्स मेंस के एग्ज़ाम के, और इसमें सारे पेपर सॉल्व हैं लॉ के। इट गाइडेड मी अलॉट, सीरियसली। इसमें शायद 1991 से लेकर के, यस 1991 से लेकर के रीसेंट ईयर के पेपर्स भी ऐड हो जाएंगे, और ये सॉल्व हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो आंसर्स इसमें दिए हों एक्यूरेट हों, परफेक्ट हों, या आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली ऐड करिए अपना जो भी आपका पर्टिकुलर ओपिनियन है या आपकी कोई फाइंडिंग है। लेटेस्ट केसेस 2018 के केसेस मैंने बहुत लिखे अपने आंसर्स में, गूगल कर करके, सर्च करके, और काफ़ी सारे जजमेंट्स आए भी, काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स आए मेरे प्रिपरेशन के दौरान। सो आई फील कि आपको ऐड करनी चाहिए, दैट हेल्प्स। और देखिए, प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम बॉल पॉइंट से लिखें कि जेल से लिखें। मैंने बॉल पॉइंट से लिखा, ब्लू बॉल पॉइंट से। सो मुझे नहीं पता है क्या परफेक्ट पेन है, बट मैंने बॉल पॉइंट से लिखा, और वो भी अग्नि 0.5 mm, दीज यूज इन थ्रो पेन्स, बिकॉज मेरी राइटिंग इससे बेस्ट बनती है। तो आपकी राइटिंग जिस भी पेन से बेस्ट बनती हो, आप उसे फाइंड आउट करिए और उस पेन को यूज़ करिए। बिकॉज मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि मैं किस पेन से लिखूँ, दैट्स वाई आई फेल्ट कि मुझे ये पेन दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई मेरी तरह भी परेशान इंसान हो जो गूगल करके देख रहा हो, यूट्यूब पे ढूंढ रहा हो किस पेन से आंसर लिखें जिससे राइटिंग अच्छी बने, इम्पैक्ट अच्छा बने। ठीक है, सो दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 3, दैट इज़ सब्सटैंटिव लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के समय के नोट्स से पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली आप बांग्या को रेफर कर सकते हैं। ओके, आई कैन फाइंड द बुक राइट नाउ। आप बांग्या से पढ़ सकते हैं, मैंने बांग्या से ही पढ़ा। टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास, अवतार सिंह भी थी, बट बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं था, एक डेढ़ महीने का टाइम था मेंस के लिए, तो पहले से कुछ पढ़ा हुआ काम आया, आई वुड से दिस। जी, यूनिवर्सिटी के ज़माने में जितना पढ़ा और उसके बाद भी जो तैयारी की, देखिए डेढ़ महीने में आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। या तो आपका पहले से मार्क्ड हो बुक्स में, मेरा काफ़ी कुछ मार्क्ड भी था बुक्स में। सो आई वुड से एक स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए आप करीब 6-7 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन के समय पर पढ़ाई की होगी, और 6-7 महीने पहले अगर आप एक फोकस्ड अप्रोच को अपनाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल क्वालिफाई। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनरशिप टॉर्ट्स ईजमेंट प्रॉपर्टी लॉ इक्विटी स्पेसिफिक रिलीफ ट्रस्ट हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए हैं। ओके, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक गाइड बुक लीजिए, अवतार सिंह की गाइड, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मेंशनड हैं। देखिए, किसी भी गाइड बुक से आप एग्ज़ाम को सिर्फ निकाल नहीं सकते, यू हैव टू ऐड थिंग्स टू इट। तो ऑब्वियसली ये एडिशन होता है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, सो जो भी टेक्स्ट बुक आप चाहें, जिस भी सब्जेक्ट पे रेफर करना, आप उसे रेफर करें, कोई भी एक टेक्स्ट बुक। देखिए, आई फील कि आपके रिसोर्सेस कम होने चाहिए, लेकिन आपको उन रिसोर्सेस को बार बार पढ़ना चाहिए। आप पहले से ये कर सकते हैं कि आप 1 घंटा रोज़ GS को दें और 4 घंटे लॉ को दें। ठीक है, तो 5 घंटे की डेली पढ़ाई आप करें। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब कैलेंडर आया भी नहीं है, जब डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं प्रीलिम्स की। ऑन अ डेली बेसिस आपका ग्रेजुएशन हुआ या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पहले से ही प्रिपेयर करें। देखिए, मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, एंड आई फील इसी वजह से मुझे सेकेंड अटैम्प्ट लग गया, वरना पहले से अगर मैं प्रिपेयर कर रही होती तो शायद मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पहले ही प्रैक्टिस कर लेती, यू नेवर नो। सो आप जितना पहले से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, बिलीव मी। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई एम सेइंग बांग्या, एंड टॉर्ट्स के लिए भी आप बांग्या रेफर कर सकते हैं। अवतार सिंह भी बहुत अच्छी बुक है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, एंड इक्विटी के लिए आप कोई भी बुक ले लें।
देखिए मैंने अवतार सिंह की गाइड से इक्विटी पढ़ लिया था, और देन लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ। देखिए मोस्टली लोगों को लगता है कि इनमें से कोई ना कोई एक पर ही क्वेश्चन आएगा, पर ज़रूरी नहीं है। हमारे टाइम पे ये कुछ गड़बड़ हो गया था, ऐसा प्रेडिक्शन गलत हो गया था लोगों का। तो आई एम रियली थैंकफुल कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ का एक वीडियो देख के गई थी यूट्यूब पे, जिसमें सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थे स्पेसिफिक रिलीफ के। ऑब्वियसली क्वेश्चन डायरेक्टली अमेंडमेंट्स पे नहीं आया था, बट मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा पढ़ के गई थी। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ मैंने यूनिवर्सिटी के नोट से पढ़ा, अकबर सर हमें पढ़ाते थे, आई फील ही इज़ द बेस्ट टीचर वन कैन फाइंड। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑब्वियसली बुक से पढ़ा, यू कॉन्ट फाइंड एनी अदर ऑप्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और वो भी एक बुक से नहीं पढ़ा, कई बुक से पढ़ा। डी के बसु से पढ़ा, जे एन पांडे से पढ़ा, अवतार सिंह से भी पढ़ा, मतलब अवतार सिंह की जो गाइड है उससे भी पढ़ा, और बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए बेयर एक्ट तो इम्प्लाइड है कि आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है, यू कॉन्ट स्किप बेयर एक्ट। और उसमें जो कमेंट्स दिए रहते हैं अक्सर उसमें भी केसेस होते हैं, एंड यू कैन रिफर टू दोज कमेंट्स। तो एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होती है, ठीक है। सो आई फील दिस इज सफिशेंट फॉर सब्सटैंटिव लॉ। देन कमिंग ऑन टू प्रोसीजर एंड एविडेंस, ओह गॉड, इट्स अ डिफिकल्ट पोर्शन बट नॉट सो डिफिकल्ट एज वेल। देखिए कुछ ही पोर्शंस हैं जिससे प्रोसीजरल लॉ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न प्रोसीजरल लॉ का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें क्योंकि प्लीडिंग भी आती है, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड evidence of witnesses, writing of judgment, and the conduct of cases generally, but will not be restricted to them. देखिए mostly लोग judgment का portion omit करते हैं। क्यों omit करते हैं, मतलब judgment writing omit क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर आपसे गलत section लग गया तो फिर आपके marks अच्छे खासे deduct होते हैं, इसीलिए mostly लोग judgment writing को omit करते हैं। ओके, प्रोसीजरल लॉ में भी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट हुए थे, और मैं कहना चाहूँगी इन जनरल कि इस बार का पेपर काफ़ी लेंदी आया था। आई फील कि मेन क्राइटेरिया ये था कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। सो मैंने हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम अलॉट किया, मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पेपर में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आपका हो गया, आप 3 घंटे को डिवाइड कर दीजिए उस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से, आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टाइम। आप चाहें तो एक एक मिनट डिडक्ट कर सकते हैं कि आपको रिवीजन करना है, आपको देखना है कि कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ ठीक तो है। वैसे ऑब्वियसली 5 मिनट में आपको छूटा है तो नहीं, को पूरा नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल मेरी आदत है कि मैं एक बार पेपर को पलट के ज़रूर देखती हूँ कि मैंने क्या किया, एंड इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर मी। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिर अंडरलाइन करती हूँ उस 5 मिनट्स में। हर क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन को आप एंड कर रहे हैं या आप कैसे दिखाएंगे, आप उसी पेन से एक लाइन बना दीजिए एंड क्रॉस इट एंड देन लाइन, क्रॉस इट देन लाइन। तो बहुत ही छोटा वाला क्रॉस, अपने आंसर को क्रॉस नहीं करना है, ओके। सो वो एक क्लेनलीनेस का और एक पर्टिकुलर मैनर का को दर्शाता है कि आपने ध्यान दिया है इतनी छोटी चीज़ों पर भी। ओके, सो प्रोसीजरल लॉ में आई वुड लाइक टू शो यू बुक्स। देखिए मैंने सिविल प्रोसीजर के लिए तकवानी फॉलो की, सी के तकवानी, एंड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर आई फॉलोड केलकर, ठीक है। ऑब्वियसली 1.5 महीने में आप इतनी मोटी मोटी बुक्स शुरू से नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और चीज़ें मार्क्ड थी एक हद तक, और क्योंकि मैं काफ़ी वेल वर्स्ड थी इन बुक्स से, सो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में मेरी पहले की पढ़ाई काफ़ी काम आई। और देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे आप पढ़ते जा रहे हैं, आप चीज़ें मार्क करते जा रहे हैं, और टाइम भी नहीं है कि भाई आप नोट्स बनाए बैठ के,
मैंने क्या किया, मैंने कॉपी ली और उसमें मैंने ये तीनों लॉ के पेपर, इन तीनों लॉ के पेपर का एक जिस्ट बनाया जो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कर सकूं। मतलब समझिए 40 पेजेस में इन तीनों लॉ के पेपर का एक जिस्ट बन गया था, जहाँ पे मे बी मैंने किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे 2018 का केस लिखा, जो मतलब मुझे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे लिखनी ही लिखनी थी पेपर में, आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ डार हैं तो आप उसको एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, आपको चीज़ें आई फील ज़्यादा बेहतर तरह से याद रहेंगी। ठीक है, और आप एग्ज़ाम के पेपर में भी उस तरह लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। देन कमिंग ऑन टू, देखिए हाँ, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एक प्रॉब्लम होती है पेपर नंबर 4 में। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एक प्रॉब्लम होती है कि क्या करेक्ट फॉर्मेट है, सबसे बड़ा मसला तो यही होता है। देखिए हर इंसान एक अलग अलग फॉर्मेट बताता है, सो आई फॉलोड जो मुझे फॉर्मेट इस बुक में मिला CLP की, प्रीवियस ईयर की मेंस के सॉल्व पेपर्स की। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, अलग अलग लोगों से पूछा भाई क्या करेक्ट फॉर्मेट है, यूट्यूब पे वीडियोस ब्राउज किए, आई फेल्ट हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली मैंने ये CLP का फॉर्मेट फॉलो किया। ओके, इसमें हर क्वेश्चन है और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसमें क्या लिखना है। ओके, देन कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 5। ओके, इट सीम्स ईजी बट इट इज़ नॉट। ये लॉ का 3rd पेपर है, पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। सो ये जो पेनल लॉज का पेपर है, इट्स नॉट ईजी, इट कैन पेनलाइज यू एट टाइम्स, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे एक सीनियर का सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उनके लोकल लॉ के पेपर में काफ़ी कम नंबर आए थे, कम मार्क्स रह गए थे, जबकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये लोकल लॉ के पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी तक एक तो मार्क्स भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं हमारे, रिज़ल्ट आए 2 दिन हुए हैं, सो लेट्स सी किस पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए लोकल लॉज की एक प्रॉब्लम ये है कि जल्दी समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें, सो मैं यहाँ पे बुक्स लाई हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने अपनी शेल्फ से निकाले हैं। एक तो मैंने ये बुक फॉलो की RR मौर्या की, उत्तर प्रदेश लैंड लॉज, एंड देन क्योंकि इसमें RR मौर्या की बुक में सारे लॉज नहीं दिए हैं, लोकल लॉज जो भी इसमें आते हैं। देखिए पीनल लॉ तो ऑब्वियसली आप IPC पढ़ लेंगे, बट इसमें ये एक सॉल्ट पेपर्स की बुक है बाय मोहम्मद तौसीफ रज़ा, UP लोकल लॉज फॉर जुडिशियल सर्विस, ऑल्सो यूजफुल फॉर एकेडमिक पर्पस एंड लॉयर्स। ये सिंगल लॉ पब्लिकेशंस की है। मार्केट में देखिए मैं गई, मैंने कहा जो भी बुक हो लोकल लॉज पे UP के वो दे दीजिए आप, तो उन्होंने मुझे यही बुक निकाल के दी, और मुझे क्योंकि इंग्लिश में चाहिए थी सो ये बुक मिली मुझे। इसमें सॉल्ट पेपर्स हैं, सिर्फ लोकल लॉ के क्वेश्चंस हैं, एंड यू वोंट बिलीव मुझसे लैंड लॉ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन इंटरव्यू एज वेल, एंड थैंक्स टू गॉड दैट आई स्टडीड दिस बुक, एंड क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी के लेवल पे, और RR मौर्या भी अच्छे से पढ़ी हुई थी तो मुझे सेक्शंस भी याद थे। ओके सॉरी, सो देखिए IPC आई स्टडीड फ्रॉम द बुक, द टेक्स्ट बुक, और आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। आई स्टडीड फ्रॉम SN मिश्रा, और भी बुक्स आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, आप जो रेफर करना चाहें कर लें। देखिए जितनी भी प्रिपरेशन थी टेक्स्ट बुक से तो पढ़ाई, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मार्क थी चीज़ें, उसके साथ साथ मैंने अवतार सिंह की गाइड से भी रेफरेंस लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये जो सॉल्व हैं सिंगल की बुक, सॉरी CLP की बुक, इसको भी रेफर किया, एंड मतलब एक मिश्रण हुआ। और मैंने इंटरनेट का भी बहुत सहारा लिया जहाँ पे मुझे लेटेस्ट केसेस मिले। ठीक है, आप 2018 के 2019 के भी मे बी मैंने एक आध केस लिखे होंगे, इतने लैंडमार्क नहीं थे बट थे 2019 के ही,
मैंने जो गूगल करके निकाले थे, बिकॉज़ हमारा मेंस हुआ था उसके एंड में, जनवरी के एंड में. ओके, सो इस तरह आपका पेपर नंबर 5 दैट इज़ लॉ का थर्ड पेपर भी हो जाएगा. और नाउ देखिए, इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी कि पीनल लॉ के 50 मार्क्स स्पेशली हैं और रेवेन्यू और लोकल लॉ के 150 मार्क्स. इस सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए और आपको इसको डेली देखना चाहिए जब तक आपका मेंस हो नहीं जाता. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरव्यू पोर्शन. मेरे लिए इंटरव्यू पोर्शन आसान नहीं था, बिकॉज मुझसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए. जो मैं पढ़ के गई थी उससे मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे. मुझसे लैंड लॉ पे क्वेश्चंस पूछे गए और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पे पूछे गए, सीपीसी पे पूछे गए, सीआरपीसी पे पूछे गए. एक ही मैं कहूँगी आसान क्वेश्चन था जो कि सीआरपीसी पे पूछा गया, दैट वाज सेक्शन 125. बाकी सीपीसी पे मुझसे इंजंक्शन का बेसिस पूछा गया. देयर आर 3 बेसिस, मतलब 3 डॉक्ट्रिन्स यू कैन से. और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पे आई वुड से कोई भी पोर्शन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का जो छोड़ा गया. सेक्शंस को डिफाइन करने से लेकर के केस के फैक्ट्स तक मुझसे पूछे गए. मुझसे हार्डली वर्सेस, सॉरी, मुझसे बैक्सिनडेल वाले केस के फैक्ट्स पूछे गए. और लैंड लॉ से भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए. देखिए, एक आध क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऐसे थे लैंड लॉ के जो मुझे नहीं याद थे. मैंने सॉरी सर कह के क्वेश्चन पास किया. और आई वुड से कि आप वहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, नहीं आता तो सॉरी बोल दीजिए. जो भी क्वेश्चन नहीं आता, बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, और लैंड लॉ से मैंने कुछ सेक्शंस भी बताए थे. देखिए, ऑब्वियसली पूछा वही गया जो मेंस का था सिलेबस, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. जो बेसिक लॉज थे प्रोसीजरल के, मैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ के गई थी, बट उतने उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे मुझसे. सब्सटैंटिव लॉ दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, हैडली वर्सेस बैक्सिनडेल और प्रिंसिपल एजेंसी के सेक्शंस, गारंटी इंडेमनिटी में डिफरेंस, और सेक्शन 2D को डिफाइन करिए, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, एंड डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स. मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे. लैंड लॉ पे भी मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे. मैं एक हद तक आंसर कर पाई थी. सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सीआरपीसी आई आंसर्ड, सीपीसी आई आंसर्ड. जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फंसी थी दैट वाज लैंड लॉ. मेरा इंटरव्यू चला होगा 20 से 25 मिनट या मे बी मोर, आई रियली डोंट नो. और दे वर वेलकमिंग, द मेंबर्स वर वेलकमिंग, दे वर 4 एंड दे वर स्माइलिंग द मोमेंट आई एंटर. तो देखिए, वहाँ पे इंटरव्यू में आप क्या पहन के जाएं, ये भी एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए, एक मसला था. सो आई चोज टू वेयर द फॉर्मल वन. मैंने ब्लैक कोट एंड सूट, नॉट सूट, आई मीन सलवार सूट, वाइट सलवार सूट और ब्लैक कोट पहना, एंड टाइट पोनीटेल थी. और प्लीज़ डोंट अप्लाई एनी मेकअप इफ़ यू आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई फील दैट डजेंट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. और ब्लैक जूती, वाइट सॉक्स एंड ऑल क्लीन, सो प्रॉपरली प्रेस. और बॉयज़ के लिए तो इट्स ईजी, आप एकदम ही फॉर्मल ड्रेस में कोट, टाई, पैंट्स, शर्ट, ऑब्वियसली. ठीक है, सो आई फील मैंने जहाँ तक जितना भी मुझे याद था शेयर करने के लिए मैंने शेयर किया है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. और आई होप कि किसी की भी हेल्प हो जाए. देखिए, डिफ़िकल्टी होती है बट इट इज़ अचीवेबल. अगर आप चाहते हैं तो, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, देन येस यू कैन अचीव इट. ओके, मेरा एडमिशन हो गया था बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में, रामजस कॉलेज में. बट मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे लॉ करना चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. सो मैंने वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करके इलाहाबाद से ही पढ़ाई की.
और थ्रू आउट मैं इलाहाबाद में ही रही हूँ। LLM भी जो मेरा था वो करस्पॉन्डेंट से था, तो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता था। और कोचिंग के लिए दिल्ली भागना मैंने ठीक नहीं समझा। आई फेल्ट कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, मैं शायद अपने से कर सकती हूँ। मैंने अपनी गलती से सीखा एंड आई रियली होप कि आप लोग ये गलती ना करें। आप प्रेलिम्स फोकस्ड अप्रोच ज़रूर रखें प्रेलिम्स के एक महीने पहले। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट ऑल, और अगर आपको कोई और डाउट हो देन प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।